प्रदेश के आगरा में मिल्टन पब्लिक स्कूल और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने फीता काटकर किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में जी मिल्टन पब्लिक स्कूल और रीत रिवाज संस्था और वॉइस ऑफ आगरा के द्वारा एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर की शुरुआत आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने की। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे, वहीं संस्था के इस सराहनीय कार्य को सांसद ने सराहा। वहीं सांसद का कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे युवाओं में एक जागरूकता रहे और वो अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रख सके। आज जो आपके यहाँ पर योगा का जो प्रोग्राम हुआ है, तो किस टाइप का प्रोग्राम था और कैसा फील कर रहे हैं? मिल्टन पब्लिक स्कूल अवधपुरी के सहयोग से वॉइस ऑफ आगरा और रिवाज संस्था राज और मधु के सहयोग से आज योग एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। ये हमारी पुरानी विधा है जो पतंजलि जी ने शुरू की, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गांधी जी के बाद आम मानस को अगर किसी एक व्यक्ति ने प्रेरित किया है तो बाबा रामदेव ने किया है, जो पुस्तकों के योगा को जमीन पर उतारा है और आम आदमी को इससे जोड़ा है। अगर हम योग पर ध्यान पर ध्यान दें और तो हेल्थ का बजट कम हो सकता है। तो योगा के अंदर कुछ टिप्स भी दिए गए हैं जिससे लोगों का शरीर स्वस्थ रहे? हाँ, आपने देखा कि कपाल भाती, अनुलोम विलोम का और भी तमाम मंडूक आसन, पद्मासन, सब चीज़ें उन्होंने बताने का काम किया। तो हमारे जो पुराने योग गुरु थे, ये वर्षों की रिसर्च के बाद, जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, रिसर्च के बाद ये जो निकाल के लाए हैं, लेकिन जो पुस्तकों तक सीमित रह गया था उसको जमीन पर उतारा है। हमारे प्रसाद अग्रवाल जी का, योगी सत्यनाथ जी का, श्री राजकोष जी का, उनका सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि अगर आज भले कुछ लोग एक दिन के लिए आए हुए, लेकिन यही एक दिन की आदत में परिवर्तन हो सकता है। हम एक व्यक्ति को भी नियमित जीवन में योगा कराने में सफल हुए तो आज का शिविर का काम कर सकते। क्या नाम है सर आपका? मुरारी प्रसाद अग्रवाल। और मैं योगा में काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ, करीब 8 साल से मैं योगा। क्या आप योगा गुरु हैं सर? अब आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सद्भावना पार्क में सरस्वती विद्या मंदिर में रोजाना करीब 40 से 50 की जनसंख्या रहती है तो मैं करवाता हूँ। और मेरे को जैसे कि कहीं भी जाने का मौका मिलता है, जैसे कि आज मैं रियाज संस्था और मिल्टन पब्लिक स्कूल यहाँ अवधपुरी में मैं आया हुआ हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी बच्चों ने आज इसको सीखा जाना, क्योंकि अब इस समय कोरोना के टाइम पर मैं देख रहा हूँ कि इस योग की बहुत अधिक आवश्यकता है, इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मेरा आगरावासियों से प्रार्थना है कि योग में अपना 1 घंटे से 1.5 घंटे का रोजाना समय अवश्य दें। सर, आपने योग करते हुए लोगों को क्या टिप्स दिए? मैंने टिप्स दी थी जैसे कि अगर हम रीढ़ की हड्डी को सही रखेंगे, अगर हम कमर और गर्दन और रीढ़ की हड्डी अगर हमारी सीधी रहती है तो निश्चित रूप से पेट का कोई भी रोग नहीं होगा। इसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ, इसको मैं दावे से कह सकता हूँ कि पेट का कोई भी रोग नहीं होगा। सर, आज योगा में MP बघेल साहब भी आए थे, इसके अलावा भी राजनीतिक काफ़ी लोग आए थे, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं इन लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि ये और जगह जाकर के इस योग की बात को फैलाएं। मेरी जहाँ भी ज़रूरत पड़े मैं हर तरीके से तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते से हम देख रहे हैं कि लोगों के घरों में हंसी गायब होती चली जा रही है, लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। आज मैं ऐसा कोई भी घर नहीं देख पाता हूँ जहाँ कोई दवाई नहीं आती हो, मेरे को बड़ी पीड़ा होती है। हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 1 घंटे से 1.5 घंटे तक अगर वो योगा करें तो निश्चित रूप से इस बीमारी से और भी बहुत सारी बीमारी, जैसे कि डायबिटीज़ बीमारी भयंकर रूप लेती चली जा रही है, इतने बढ़िया बढ़िया योगा हैं, अगर हम योगा करें थोड़ा सा समय निकाल करके
तो हमारी बोलियाँ बंद हो सकती हैं, क्योंकि गोली खाना बहुत आसान है, योग करना थोड़ा सा शरीर को कष्ट देने के बराबर है। तो मेरा सभी से प्रार्थना है कि योग को निश्चित रूप से अपनाएं और इन सब बीमारियों को दूर हटाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं स्वतंत्र कुमार आज आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, तो आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा मेरा निवेदन है। और हम हमारे आगरा नगर के सांसद प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी से निवेदन है, शहरों में भी हम करा रहे हैं, जिसमें झांसी, बरेली, जयपुर, अलीगढ़, बनारस और मथुरा, फिरोजाबाद, इंडिया के 16 शहरों में उसको करा रहे हैं। और योगी हमें जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे स्वस्थ शरीर हमारा बना रहे। आपका भी यहाँ पे योग उसमें आया, आपको कैसा लगा, कैसे महसूस किया? बहुत, ये करवाने में बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। और ये मुहिम मेरी 16 महीने तक चलेगी, 16 शहरों में करी जा रही है। आगरा के बाद किन किन शहरों में की जाएगी? 27 दिसंबर को झांसी में है, फिर जनवरी में बरेली में है, इस तरह से 16 महीने तक की मुहिम। आज कितने लोगों ने इसमें सम्मिलित हुए? करीब 100 लोगों ने, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे। आज इस प्रोग्राम के जरिए आप आगरा की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? इस समय का हेल्थ के लिए योगा तो हमेशा ही जरूरी था, और इस समय तो कोरोना को लेके इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपकी संस्था के और उद्देश्य आगे क्या है? मैं चाहूँगी बस इस मुहिम को छेड़ा ही इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा को अपनाएँ, ये हमारी संस्कृति में भी है, हमारे साथ।